अध्याय 22। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं, और प्रभु ने जो भविष्य वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्य दक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगीदास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और त्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझे यीशु ने अपने स्वर्ग दूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलिसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता तारा हूं, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे के आ, और जो प्यासा वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत मेंत ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल दे। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन।